हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आरके पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के सीटेट में जो साइंस पेपर टू है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम लोग 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस ईयर मैं 2021 का पेपर निकाल वीडियो उसका बनाया था, कल अपलोडेड मैं किया था। उसको अगर आप नहीं देखें तो उसको जाकर देख लेंगे। मैं एक सीरीज़ ये स्टार्ट किया जिसमें पहले प्रीवियस ईयर चलेगा, उसके बाद से टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन चलेंगे। और इस सीरीज़ को यदि आप देख लेते हैं तो साइंस में आप 25 नंबर मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं। मेरी प्रयास रहेगी कि मैं एक सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, और इस सीरीज़ कंटिन्यू है डेली 8 बजे रात में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी लाइव तो मैं नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अब डेली वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। प्लेलिस्ट इसका मैं बना दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैं आरके पॉल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। और हम लोग वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। ये देखिए, पहले ही कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है, मतलब उसको पचाने में सहायता करता है। इसमें तर्क में इन्होंने क्या देखा कि पाचक क्रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। पाचक क्रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऊपर वाला जो पॉइंट लिखा है ये इन्होंने सही लिखा है। देखिए, इसको पहले देख लेते हैं कि कौन क्या रिलीज करता है। आइए पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आंसर राइट आंसर आप खुद करिएगा कि आंसर क्या होगा। राइट आंसर अब पीडीएफ इधर उधर हो गया है। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टोमक हमारा जो होता है वो किस चीज़ को, स्टोमक हमारा जो होता है वो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है स्टोमक से हम लोगों का, जहाँ पे HCl को वो तोड़ना स्टार्ट करते हैं, HCl टूटता है और प्रोटीन को वो स्टोमक में ही रिलीज होता है HCl, और उसको प्रोटीन का पाचन वहाँ पे शुरू होता है। और प्रोटीन हमारा जो होता है स्टोमक में वो एमिनो अम्ल में चेंज होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो मुख्य गुहा से ही स्टार्ट होता है। यानी हमारा पाचन जो शुरुआत होता है वो मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च वगैरह जो होता है उसका पाचन पहले होता है, फिर स्टोमक में HCl जो होता है वहाँ से रिलीज होता है, और प्रोटीन एमिनो अम्ल में चेंज होता है, वहाँ पर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारा वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा में बदल जाता है, और वसा जो होता है वो वसीय अम्ल में चेंज हो जाता है। तो ये आप देख लिए कि ये हमारा जो था और ये ऐसे रिलीज हो रहा था। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में राइट आंसर जो देखेंगे, ये पहला ऑप्शन तो जो हमारा कथन जो दिया है वो तो सही दिया है, बट हमारा तर्क जो दिया है वो सही नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमारा ए तो सही है, ए तो हमारा सही है, पर आर आई और आर दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या ऐसा से नहीं कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का अर्थ है, नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन हमारा दिया है कि नाइट्रोजन यौगिक के गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरित करता है, मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणु द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में रूपांतरित करता है, मृत जैव पदार्थ उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिव्यक्त करना वापस छोड़ता है, और जीवित प्राणियों के लिए अधिक परियोज्य रूप हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण करता है। तो सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा जो दिख रहा है वो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया और न ही खींचा गया तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम संपीड़ित किया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग तक संपीड़ित किया तथा वह ऊंचाई पर रखा गया, ऊंचाई पर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा और खींचा जाता तथा इसे ऊंचाई पर रखा गया। तो आइए पहले इसका तर्क देखें एक्चुअल में होता क्या है, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। आइए देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले क्या होता है ये जान लीजिए। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी हमारा जो होता है वो होता है सम होता है जो होता है, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². यहाँ पे देखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ यू इक्वल टू mgh होता है मान, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा वो स्थिति ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऊर्जा को, सम ऑफ mgh यानी मास और ग्राम और हाइट, तीनों हाइट पे ही काम करेगा पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो गति जो ऊर्जा होता है यानी किसी चीज़ में वो गति में ला देगा, वो गति के कारण होता है और ये पोजीशन के कारण होता है, पोजीशन कहाँ रहता है और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे इसको देखा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी है आप समझ गए, और ये आकार में परिवर्तन लाता है। तो आप समझ गए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और गतिज ऊर्जा देखेंगे तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो गति के कारण होता है, गति आएगा ही हर हाल में, ठीक। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी को आप फॉर्मूला से देखेंगे तो k=1/2 mv² होता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ए आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग को न तो संपीड़ित करेगा न ही खींचेंगे और भूमि पर पड़ा रहेगा, तब उसका कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उच्च समोच्च की पहचान कीजिए जिसमें अनियमित तापवती जीव को समाविष्ट किया गया, अनियमित ताप मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उसको किया गया है। छिपकली तो डॉल्फिन, छिपकली तो नहीं होगी, आप देख जान सकते हैं क्योंकि छिपकली जो होती है वो दीवारों पर रहती है और दीवार में गर्मी आती है, डॉल्फिन भी नहीं होगी। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो है पीजन, कबूतर, मानव छिपकली, फिर यहाँ छिपकली आ गया तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी आपका कट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन देख रहा है हवेल, देखिए हवेल मछली यहाँ पे भी आ गया तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, देखिए सर्प, सर्प भी ये रहता है मेरा मतलब ट्रेकिया, रिप्टिलिया, रिप्टिलिया के जितने भी रहते हैं रेंगने वाले जितने भी जीव रहते हैं, रिप्टिलिया वर्ग में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक युग्म समान भौतिक राशि के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आपका p = होता है w/t या w = होता है p/t या w = st होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वर्क इनकारी क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे देखिए WS यानी p = अगर देखेंगे तो WS वर्क इंटू एस आ रहा है, तो इसका मात्रक देखिए ये P हो गया, और P का मात्रक हम देखेंगे, आप ये आयोग समझे होंगे, ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W = T होता है, वर्क एनर्जी का है। अब आपने ये चीज़ देखा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पी आ रहा था, एक तरह का देखा जाए तो वर्क ही हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, एनर्जी हो रहा है, तो वर्क जो होगा वो इसका बाहर जो हो जाएगा केजी में हो जाएगा, और ये भी मीटर हो जाएगा, और फिर mgh था तो उधर ये भी क्या हो जाएगा सेकेंड मीटर mgh हो जाएगा, तो ये m² हो जाएगा और हमारा हवा जो हो जाएगा वो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा kg m² / s² WS हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा संभव नहीं है। तो इसमें एक मोर रिएक्टिव तत्व होगा और एक लेस देन रिएक्टिव तत्व होगा, तो इसको देखने के लिए आइए देखते हैं अधिक से कम के तरफ वो संभव है या कम से ज़्यादा की तरफ नहीं है। आइए उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए मस्ट मस्त
रिएक्टिविटी तत्व है, ये कौन कौन है, एलिमेंट क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहले देखिए केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा फेंको, ये है मोस्ट रिएक्टिविटी है, ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड थर्ड वाला उसके बाद से पकाता है हाई कोर्ट, ट्रिक ही है, पकाता है यानी पीबी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है ए हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, पकाता है हाई कोर्ट है आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए केदार यानी के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आलू से एलुमिनियम, जरा से जिंक, एफ से आयरन, और इसमें का पूरा यहाँ पे पकाता है यानी पी बी लेड हो जाएगा, ए से हाइड्रोजन, फिर कोट से CH और HG, एलुमिनियम, और फिर आपका गोल्ड और प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो लेस रिएक्टिव होते हो रिएक्टिविट होता है, और ये मोस्ट हायर होता है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से कम वाले क्या करेंगे, वो ये कर सकते हैं, मरने की संभावना रहती है, रिएक्शन बनने की संभावना रहती है, कम से ज़्यादा की तरफ नहीं। तो देखिए पहला में देखिए पी बी आयरन दिया है, तो आप देखिए पी बी तो इधर लेस वाला में हो गया और आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये संभव है, ये बड़ा है, उसके बाद से पी बी है, तो बड़ा से इसमें संभव है, तो हमारा ये सही दिया है इन्होंने, ये वाला सही दिया है, ठीक है। इसके बाद से अब यहाँ पे देख रहे हैं ए एल प्लस कॉपर, आइए देख लेते हैं एल्युमिनियम हमारा क्या है, यहाँ पे है, और कॉपर देखिए कॉपर यहाँ पे एल्युमिनियम हाई में है, कॉपर यहाँ पे लो में है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी ऑप्शन सही है। और एम जी जिंक में आप देख लीजिए, तो एम जी इधर है हमारा और जिंक हमारा किधर है, जिंक नीचे, तो ये भी कॉपर में है, तो ये भी संभव है। अब देखिए ZN प्लस CH4, ZN हमारा देख लेते हैं, ZN यहाँ पे है, हाँ उसके बाद से क्या कह रहा है, कैल्शियम देखिए ऊपर चला गया, यानी कम से ज़्यादा में संभव नहीं है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं में खींची जा सकती है, विराम अवस्था में, वस्तु का समय दूरी ग्राफ, एक समान त्वरण। हमारा राइट आंसर में इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बी और डी को खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 छूट गया है, 10 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। विद्युत धारा एक सदिश राशि, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, और विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है, ये तो सही है। तो हमारा पे यहाँ पे जो देखेंगे ये अदिश राशि सदिश दिया है, तो इन्होंने तो पहले ही ये गलत किया है, और ये हमारा दूसरा सही है, यानी ये गलत है और आर सही है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है, तो देखिएगा यह लौक में होता है, खुद का होता है, माइटोकांड्रिया में भी होता है, नाभिक में भी होता है, लेकिन रेक्टिका में नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा ए बी एवं सी हो जाएगा, तो जो यहाँ पे सी में मिल रहा है, जो हमारा राइट आंसर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं से संबंधित सही है, सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते तथा इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, सभी तो सूक्ष्मदर्शी नहीं होते, नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, तो सभी के कोशिका भीति होती है, ऐसा जरूरत नहीं है, सभी के केंद्रीय क्या झिल्ली होती है, ऐसा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी भी केंद्रीय कोशिका जीव में एनिमल में देखेंगे तो कोशिका भीति नहीं पाया जाता है, केवल पौधे में पाया जाता है, सभी के केंद्रीय झिल्ली होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है, हाँ ये सही है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा केवल कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए और दिए गए कचरे के प्रकार के कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा बहुत में लगने वाले समय के साथ सही प्रकार से सुमिलित हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं, प्लास्टिक की बोतल, रेशमी रुमाल, सूती कमीज, केले का छिलका, कागज़, प्लास्टिक के बोतल को देखेंगे तो अनेक वर्ष लग जाएगा, प्लास्टिक के बोतल को अगर किया जाएगा तो अनेक वर्ष लग जाएगा उसको अपघटित होने में,
अब केले का छिलका दिया है, रेशमी रुमाल इसका सूती कमीज दिया है, स्कार्फ दिया है, कागज़ दिया है। कागज़ तो आपका कितना, एक से केले का छिलका आपका, केले कागज़ कागज़ का टुकड़ा जो है वो एक से दो सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, सॉरी कागज़ का। और उसके बाद से रेशमी रुमाल जो है वो चार, और सूती कमीज जो है शॉर्ट, ये इसको ख़त्म होने में कम से कम, सूती कमीज शॉर्ट है कम से कम इसको दो से, सूती कमीज जो है 2 से 5 मंथ लग जाएगा, और आज में किले का छिलका बच गया तो वो 10 से 30 दिन के अंदर हो जाएगा। तो देख लीजिए ए का 5 किस्में है, राइट आंसर हम लोग देख लेंगे, तो हमारा ए का 5 इसी में है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंखा छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान से घिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा। तो आप जानते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, एक समान वेग से वेलोसिटी जो है वो समान वेग है, तो हमारा त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा एकदम, एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम वेग से गिर रहा है। ठीक है, और एफ इजकल टू हमारा क्या होगा, नेट बल बोल रहा है, तो यदि त्वरण हुआ तो एफ इजकल टू एम इंटू ए होता है, और एम का मान हमारा तो कितना दिया है, 15 दिया है, और ए का मान हमारा 0 आया, तो वो 0 ही हो जाएगा। मतलब समान वेग से चल रहा है, अगर एक्सेलरेशन 0 तो सभी का मान 0 होगा, तो हमारा राइट आंसर ये होगी, न्यूमेरिकल है तो वह सही याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, X3 आयन दे दिया तो X परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। X3 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है 14, 13, 10, 10, 13, 14 और 13, 13, 10 दिया है, और इसका डी ऑप्शन में 13, 10, 10, 14 दिया। उसके पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें 3 केसेज आएंगे। अगर प्लस में आयन दिया हुआ है, X3 प्लस में दिया हुआ है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन यदि हमें फाइंड करना है, तो उसका जेड इजक्वल टू पी तो होगा ही, उसका एक फार्मूला ई निकालना होता है, तो जेड माइनस नंबर ऑफ चार्ज। अगर प्लस में है तो एक केस ये बनेगा, दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, अगर माइनस में है तो ई इजक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ चार्ज, अगर माइनस में तो प्लस हो जाएगा और प्लस में तो माइनस हो जाएगा, जेड इजक्वल टू पी होता है। और आगे देखते हैं, तीसरा केस ये हो सकता है, अगर कोई आयन नहीं हो, प्लस भी नहीं हो माइनस भी नहीं हो, तो फर्स्ट केस ये, सेकेंड केस ये, और थर्ड केस में क्या देखेंगे, थर्ड केस हमारा बिना आयन का होगा, तो यहाँ पे ई इजक्वल टू पी होता है, ई का मान इलेक्ट्रॉन का मान प्रोटॉन के बराबर होता है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा पूरा क्या दिया है, क्वेश्चन देखिएगा, एक्स इजक्वल टू, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक्स इजक्वल टू 3 + 13 = 27, यानी ई दरमान हमारा 27 हो गया और जेड हमारा कितना हो गया, 13 हो गया, तो यहाँ से जेड बराबर क्या होगा, पी, यानी पी का मान कितना है 13, और ई बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या माइनस जेड इजक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, तो 3 दिया है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 13 - 3 इलेक्ट्रॉन आ गया 10, और हमको पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है ए इजक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एन निकालेंगे तो ए माइनस पी, ए दरमान हमारा 27 है और पी हमारा 13 आया, तो ये 14 आ जाएगा, हमको निकालना यही था, एन का वैल्यू आ गया 14। तो आप देख लीजिए कहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, आई होप आप देख लिए होंगे राइट आंसर कहाँ होगा, 13, 10 और 14, क्या क्या आया था आपका यहाँ पे, एक तो 13 आया था, एक 10 आया था, एक 14 आया था, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा, आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है, खीरा, पपीता, गुलाब, ये तो होगा नहीं, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, देखिए ये सरसों, गुलाब, पिटूनिया, मक्का, खीरा, पिटूनिया, खीरा इसमें आगे ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, मक्का, पपीता, सरसों, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा सरसों, गुलाब और पिटूनिया, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये बाइसेक्सुअल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि गलत कथन की पहचान करें, गलत कथन की पहचान करना है, इसमें लिखना है, तो पहला ही गलत है इन्होंने लिखा है। सेकंड देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघासन पर इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन होता है, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, और श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण ये गलत है, और लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी अपने हार्मोन स्राव करते हैं जब उन्हें सी आदेश प्राप्त होता है, निम्न से कौन सा ए बी और सी हो सकता है। तो ये हमारा देखिए पेनक्रियाज जो होता है वो इसको एड्रेनल ग्लैंड्स को सूचना पहुंचाता है, तो अब थायराइड हार्मोन ये होता है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, देखिए प्रोटीन का पाचन ये तो बता दिया था मैं, उसका पीडीएफ यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सच्छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि प्रकाश छोटे से समुद्र छेदन प्रतिबिंबित होता है, नहीं, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, ये तो हिला है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो अपना पथ तैयार करता है, नहीं, इसमें सिंपल बात है, वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो बी सी क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लेके आया था, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और बाकी आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी आए होंगे और क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए व्यूअर हैं यदि तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुँचे, आप क्लास का लुत्फ उठा पाएँ। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।